कसम रब के, कसम रब के, मसरूर तो वलायत का सितारा है। मोहब्बत से आओ थोड़ा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ताजुल वरफा का लगभग ताजुल वरफा जिन्हें कहा जाता है, है ना, ताजुल वरफा ये लकब इसे ऐरो गैरो अक्ल उतन नहीं दिया है, बहुत बड़े बड़े हस्ती ने ये लकब दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। कसम रब के मसरूर तो वलायत का सितारा है, कसम रब के मसरूर तो, कसम रब के मसरूर तो, कसम रब के मसरूर तो वलायत का सितारा है। जनाबे बोलो सुभान अल्लाह। जो दरबार मसरूर में सुभान अल्लाह क्या बात है के आया है, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर खराब हो जाए भाई तो कोई माइक ला ला है जो अच्छा सा पढ़वा है, है ना, गला भला बिल्कुल जो है पूरा सूख गया है माइक में से। माइक मैन भाई जो है नया है शायद, लेकिन इनको शायद बजाने का तरीका मालूम नहीं है, इसलिए मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लादा करे जो दरबार मसरूर में सवाले पर के आया है, जो दरबार मसरूर में सवाले पर के अगर मांगा है खतरा अपने दरिया बहाया है। घटाने से किसी की शान के घट नहीं सकते। अल्लाह के वलियों का जो मकाम मर्तबा है उनका मकाम अल्लाह ही बेहतर जाने, हम जैसे इंसान बेहतर नहीं जानते हैं, क्योंकि उनकी शान उनकी इज्जत को बढ़ाने वाला खुद खुदा है। बोलो सुभान अल्लाह। और जिनकी इज्जत को खुदा बढ़ा दे जमाने वाले अगर लाखों कोशिश करें लेकिन उसकी इज्जत घटा नहीं सकता। बोलो सुभान अल्लाह। शायर क्या लिखे घटाने से किसी की शान के घट नहीं सकते, मसरूर का पढ़ाया।
कभी दीदार से अपने मेरे किस्से मत जगा दीजे। ये तमन्ना है गुलाम का, बोलो सुभान अल्लाह। और ये वही गुलाम तमन्ना करेगा जो हकीकी गुलाम है, वही होली होली शायर क्या लिखे हैं। कभी दीदार से अपने